नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की कार्यवाही के दौरान सिद्धार्थनगर में पुलिस की गोली से महिला की मौत के आरोप पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस बात करने वाली सरकार और कोई कल्पना नहीं कर सकती। ये वही यूपी है जहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश के सवालों पर सीएम योगी ने जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो रहे हैं और कानून व्यवस्था भी बेहतर हो रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गर्मी निकालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में और रिवॉल्वर लगा देना, ये है जीरो टॉलरेंस की सरकार। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां गए ललितपुर में, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। वही ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और 26 मई को ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी। इसी दिन यह भी तय होगा कि किन किन याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है। वही अदालत के निर्देशन दिया गया है कि अगले 7 दिन में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई पर दोनों पक्ष अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। याचिका की जरूरत इसलिए पड़ गई थी कि जो हमारे मतलब जी जो हमारे विशेषज्ञ मिले हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए आवश्यकता है, इसलिए हमने ये नई याचिका दायर की है कि वो अधिकार हिंदुओं को मिले। आज इस मुकदमे में न्यायालय ने रखा था आदेश के लिए फाइल सुरक्षित कर, आदेश होना था आज और आदेश हुआ भी। और आदेश में ये कहा गया कि इसमें एक प्रार्थना पत्र थी 35 का ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की, उसकी सुनवाई होनी थी। कोर्ट को ये निश्चित करना था कि इसमें पहले क्या होना चाहिए, तो कोर्ट ने निश्चित किया कि पहले इसी प्रार्थना पत्र की सुनवाई हो जाए, इसीलिए उसको सुनवाई के लिए एक तिथि नियत की गई 26 मई की। और हमारे भी कमीशन प्रार्थना पत्र जो था उसका नकल देने के लिए अलाउ कर दिया गया। 26 पर पोषणता पर सुनवाई होगी, मुकदमा एक्सटेंड करेगा कि नहीं? हाँ, उस पर सुनवाई होगी। अब एक सप्ताह के अंदर जो है हम लोगों को आपत्ति देना है कमीशन पर, वो नकल अलाउ हो गया है। वीडियो भैया महादेव जो आप लोगों ने मांगा था अलाउ हो गया, अलाउ हो गया है। आज जो है पोषणता पर 26 को सुनवाई का आदेश हो गया है और जो वीडियोग्राफी का प्रार्थना पत्र हम लोग दिया था कि हमको उपलब्ध कराई जाए उसको अलाउ हो गया है। 26 तारीख को सुनवाई के लिए लगाए, कोर्ट उस दिन पोषणता पे सुनवाई करेगी। 7-11 पे सुनवाई है। हरिशंकर जैन साहब द्वारा, अधिवक्ता हमारे मान्य सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब के द्वारा एक दरख्वास्त लगाई गई कि पहले हमें वीडियोग्राफी अवेल करा दी जाए, फोटोग्राफी अवेल करा दी जाए, उस पर हम ऑब्जेक्शन तभी दाखिल कर सकेंगे और उसके आने के बाद में उसकी लाइट में हम 7-11 पर आर्गूमेंट करेंगे।
और इंतजामिया ने अपील की कि पहले 7-11 को डिस्पोज किया जाए। इस सब के दौरान होता क्या है, आज आदेश आ गया है कि 7 दिन के अंदर आपत्ति दाखिल की जाएगी, वीडियोग्राफी अवेल करा दी जाएगी और 26-5 को बहस होगी 7-11 के ऊपर कि ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक। अलीगढ़ में प्रोफेसर के शोषण से परेशान होकर एक छात्रा ने नशीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। छात्रा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के ब्रेन रिसर्च सेंटर में पीएचडी कर रही है, उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि पीएचडी के सुपरवाइजर प्रताड़ित कर रहे हैं। परिजनों की शिकायत के बाद एएमयू के वाइस चांसलर ने 2 सदस्य कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बहुत जल्द उचित कार्रवाई की जाने की बात कही है। साहब, हमारी पीएचडी का मामला है, उस पीएचडी के कुलदे करके हमको कंटिन्यूसली हमारे साथ है, ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उससे परेशान होकर के उसने ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। लीड है, उसके हस्बैंड भी वहाँ पर मौजूद थे और वो इस वक्त पर बाहर कहीं अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है। मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां जगतपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका वहां के लोगों ने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और फिर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से शिकायत की, जिसके बाद पटवारी के आदेश दिए गए कि जहां वहां जाकर जमीन की जाँच की जाए। मेरा नाम रमेश है सर। कौन सा गांव है? गांव जगतपुर रामराय सर। क्या मामला है यहाँ पर? मामला सर ये है कि ये रास्ता है हमारा 500 साल पुराना, हम जब से पैदा हुए हैं हम इसी के रास्ते को निकलते चले आए हैं। अब ये लोग पहले कच्चा रास्ता होते थे, अब पूर्व प्रधान ने रामभरोसे लाल ने इसको पक्का कराया, कुछ समय के बाद में इन्होंने इसको दमनगिरी में उखेड़ दिया। 10-5 साल जो नरेश रामवीर और बंटी ये मनोज वगैरह इन्होंने उखेड़ दिया, तब से सर ये ऐसे ही कच्चा चल रहा है और इस पर बार बार ये कब्जा करने के प्रयास करते हैं। कानपुर के नौबस्ता में एक युवक लंबे समय से महिलाओं को लूट का शिकार बना रहा था, वही लूट की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी की घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अवैध असलहा कारतूस और बाइक बरामद की। आज क्षेत्र में पतारसी सौराग्रसी की जा रही थी तो ज्ञात हुआ कि 2 अपराधी नीले अपाचे व तमंचे सहित लूट की फिराक में नौबस्ता थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस पर घेराबंदी व पुलिस मुठभेड़ के बाद अभियुक्त अंशु वर्मा पुत्र राजेश वर्मा मूल निवासी फतेहपुर वर्तमान पता थाना नौबस्ता क्षेत्र को गिरफ्तार किया गया, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर उसका साथी करण सक्सेना उर्फ हर्ष पुत्र सुशील कुमार निवासी थाना नौबस्ता भाग गया। गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक बल प्रयोग किया गया, जिससे अभियुक्त अंशु वर्मा पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र अस्ताना कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके। उपेंद्र, अब आगे किस तरह से चोर पर कार्रवाई की जाएगी? जी, आपको बता चला कानपुर कमिश्नरेट का जो ये ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो ये एनकाउंटर किया गया है, ये जो लुटेरा था ये लुटेरा बर्रा थाना अनवरगंज कई थानों से जो है उसने लूट की बात आता अंजाम दिया था। 8-10 मुकदमे से चल रहे थे, पहले भी जेल जा चुका है और ये कुख्यात अपराधी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। वहीं कन्नौज से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका के नाम पर हो रही वसूली के विरोध में ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया और यहां आंदोलन अवैध वसूली मांगने पर हुआ। ऑटो चालकों की हड़ताल की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने चालकों को हड़ताल खत्म करने के लिए समझाया और एसडीएम ने कहा कि ऑटो चालकों की समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाएगा। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं इनके द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने जीपी रोड के सामने पार्किंग कर दिया जाता था, जिससे आम जन के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती थी, कभी किसी दिन एक्सीडेंट हो जाता था। तो इस तरह उद्देश्य से इनको कहा गया कि आप लोग अपने वाहन को गलत जगह पार्किंग न करें, आप लोग मूविंग में रहें। तो उसके विरोध स्वरूप इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, इनकी समस्याओं पर जो इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है जल्दी हम लोग सार्थक रूप से विचार विमर्श करके इसका हल करें। एटा पुलिस
पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और लूट की योजना बनाते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी फायरिंग कर शराब के ठेके से नकदी और शराब लूट करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समनपुन थाना इलाके के पलई कल्याणपुर गांव में शराब पीने से मना करने पर एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि गांव में 12 आए बारातियों को घर के सामने शराब पीने पर मना करने पर गुस्साए बारातियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को युवक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंच पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना समनपुर के गांव पलई कल्याणपुर में कल रात्रि एक बारात आई थी इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र से। उस बारात के लोगों का गांव के लोगों से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और उस विवाद में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े में एक नवयुवक घायल हुआ, जिसके अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पा करके पुलिस मौके पर पहुँची और तत्काल शव को कब्जे में ले करके विधि कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है, मुकदमा कायम करके इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर सख्त निर्देश है कि कोई भी अफसर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रखी है, लेकिन उनके नीचे बैठे अफसर सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं यह आरोप योगी सरकार के एक विधायक ने लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बस्ती जनपद के 2 जिला स्तरीय भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अजय सिंह ने जिला पंचायती राज अधिकारी शिवशंकर सिंह को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी के वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की और दोनों ही अफसरों की संपत्ति की जाँच कराने की मांग की। इसके खिलाफ मैंने आय से अधिक संपत्ति की जांच का भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री से किया है और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व सरकार जो चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम होना है और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसके बाद अवैध संपत्ति, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बम्बई हो, अवैध संपत्ति का इसके पास अंबार है। नहीं, ऐसा है, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई शिकायत किया है। फिर भी ये दोनों ने, माननीय विधायक जी ने कोई शिकायत किया भी होगा तो उसकी जांच होगी, जो है जो भी जांच में पाए जाएंगे उसके अनुसार जो भी कार्रवाई होगी। संवाददाता रजनीश पांडे इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बीजेपी विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्या कुछ शिकायत की है अधिकारियों के खिलाफ? जी कृष्ण, आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने जो है लगातार जिले के जो है जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर सीएम को पत्र लिख रहे हैं और मोर्चा खोल रहे हैं, तरीके से जहां सीएम की ये नीति है जीरो टॉलरेंस पे सारे हो काम क्रियाकलाप सारे हो जनपद के किसी भी जनपद के हो, लेकिन अगर देखा जाए वही अधिकारी भी भ्रष्टाचार से लिप्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां देखा जाए कोरोना काल से लेकर अब तक अगर देखा जाए तमाम ऐसे मामले आए हैं। अक्सर अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारियों को लेकर डीपीआर को पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी विधायक ने उंगली उठाई है, तो कहने का मतलब 3000 सफाई कर्मी है, जिस तरीके से 1000 लगभग सफाई कर्मी ऐसे हैं जो ड्यूटी पर नहीं जाते हैं और अपना सिटिंग के थ्रू अपना वो वेतन लेते रहते, तो कहीं ना कहीं अपने आप में भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य महकमे भी वही हाल है, तो इसको लेकर बीजेपी विधायक ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा है। जी जी रजनीश, अब विधायक की शिकायत पर जो उच्च अधिकारी है वो उस पर किस तरह से एक्शन ले रहे हैं या फिर किस तरह से एक्शन लेने की बात कही जा रही है उनके द्वारा? देखिए, अभी उच्च अधिकारी उस पर कुछ भी बोलने से कहने साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। रही बात अब सीएम से शिकायती पत्र के द्वारा माध्यम से जो है अवगत कराए हैं, अब देखने वाली बात रहेगी कि उस शासन से किस तरीके से टीम गठित होती है, किस तरीके से जांच होता है, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, अब तो आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रजनीश।
बुलंदशहर के पहासू में एक दलित बच्चे को पुजारी ने तालिबानी सजा देते हुए उसे पीट दिया, जबकि बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मंदिर के अंदर रखी पूजा की थाली से पैसे उठा लिया। इस पर पुजारी आग बबूला हो गया, जिसके बाद पहले तो पुजारी बच्चे को मंदिर से लेकर बाहर लाया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया, इसके बाद थप्पड़ और लात मारा। वहीं से पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मामला जानकारी में है, जबकि पहासू पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और जल्द ही आरोपी पुजारी को पकड़ लिया जाएगा। क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ में? मेरे बेटे के साथ में घटना ये हुई थी कि मंदिर पर गया था आरती लेने के लिए और चोरी का इंजाम लगा दिया और इस वजह से मार लगाई थी, और हम जाटव हैं इस वजह से हम मंदिर पर जा ना सकते, और बहुत मारा, उठा उठा के जमीन में भी मारा, सीने में चोट है, मुँह में भी दो दांत टूट गए हैं और ना रोटी खा रहा, 3 दिन हो गए ना उठ रहा। किस मंदिर का मामला है? मठ मंदिर ये हुआ कि लड़का हमारा और भी जाते हैं पड़ोसी, ये ठाकुर लोग हैं, हमारे जाटव हैं, जाटव इन की वजह से हमारे लड़का आती ले रहो वहाँ पकड़ लियो बड़े बड़े बच्चों ने और माल लगा दे या चोरी कर दिया, हम लगा दो मैं कर थारी में तो पैसे लगा ये मंदिर। तो आपने कहीं शिकायत करी? अब हमें जब बच्चा नहीं बताई हमें आके नहीं डर के मार मार लोधी नगर पहासू से हूँ। मेरे भाई ने एक बच्चे को पीटते हुए एक दबंग व्यक्ति को रोका, जिसके विरोध करने पर रोकने पर लाठी डंडों से मेरे भाई को पीटा और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरे भाई को ही थाने में बंद कर रखा है, जबकि उसके सर में हाथ पैरों में चोट लगी हुई है और उसका मेडिकल तक नहीं कराया, फर्स्ट एड तक नहीं दिलवाई और मेरे भाई को बंद कर रखा और दूसरे भाई को दूसरे पक्ष को अपने घर है। रायबरेली के सुल्तानपुर मार्ग स्थित मलिक मऊ चौराहे पर 41 करोड़ की लागत से बना ब्रिज का उद्घाटन करीब 3 साल पहले पीएम मोदी ने किया, जो कुछ दिन पहले अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अब इस टूटे हुए ब्रिज का निरीक्षण कर रहे एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समर बहादुर सिंह अंधेरे में पहुंचे, जिनके निरीक्षण पर अब सवाल उठने लगे हैं। परचे दीजिए, आज कहाँ किस चीज़ की जांच हो रही है यहाँ पे? और यहाँ पर जो ये ब्रिज पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है। अभी हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और यह प्राइमर फेसी यह देखने में आ रहा है कि बियरिंग के डिस्प्लेसमेंट के चलते जो ऊपर में एक्सपेंशन ज्वाइंट में गैप हुआ था या पूरा डेक स्लैब मूव किया हुआ है वो बियरिंग के डिस्प्लेसमेंट के चलते लग रहा है। प्राइमर फेसी ऐसा लग रहा है कि बियरिंग्स फेल हैं और बियरिंग को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अभी भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी हम इसको कंक्लूड करने के बाद ही इसके आगे बता पाएंगे। सर कितने दिन लगेंगे इसको चालू होने में? अब ये डिपेंड करता है कि डैमेजेज जो है किस डिग्री का है, कितने डिग्री का डैमेजेज है, कितनी बियरिंग हमें रिप्लेस करनी पड़ेंगी, कितनी बियरिंग रेक्टिफाई हो सकती है, उसके बाद फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसको रेस्टोरेशन में कितना समय लगेगा। कानपुर के पास चौबेपुर रेलवे स्टेशन के पास आज बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां कानपुर फर्रुखाबाद रूट से मथुरा जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिससे 4 घंटे में 4 पैसेंजर ट्रेनों प्रभावित हो गई। राहत की खबर यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं सूचना पर मौके पर आरपीएफ पुलिस चौबेपुर थाना पुलिस पहुंच गई। फरीदाबाद के बड़ोली गांव में एक युवक इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, जिसके डेढ़ बीत जाने के बावजूद पीड़ित को न्याय नहीं मिला। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़िता ने अपने ही भाइयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर उनके सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया और जब उन्होंने अपनी जमीन मांगी तो भाइयों ने अपने बेटे और कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले पर बीपीटीपी थाना प्रभारी की माने तो पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जाँच पड़ताल की जा रही है। पुरानी रंजिश थी, मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने बेच दी और मुझे हिस्सा ना दिया। मैंने जब हिस्सा मांगा तो इन्होंने मेरे साथ शुरू से ही मारपीट करी और शुरू से धमके देते रहे कि हम तुझे या तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। इसको कई बार दिया,
के बाद शिकायत दी है, लेकिन पुलिस वाले ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके जांच तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में अभी तक जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, अभी उन पे गहराई से जांच की जा रही है। सीसीटीवी के कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है और उनकी कॉल डिटेल्स को अच्छे से देखा जा रहा है, जैसे ही कार्रवाई पुख्ता हो जाएगी। वहीं बताइए, जिलाधिकारी के निर्देशन पर थाना फैजगंज बेटहा पुलिस ने कुख्यात आरोपी जॉन सिंह की करीब 22 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं जब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई तब पुलिस ने मुनादी करते हुए ग्रामीणों को बताया कि गांव के गैंगस्टर जॉन सिंह की संपत्ति जब्त करने आए हैं। और जब इस कार्रवाई की शुरुआत की गई तो उस समय घर पर जॉन सिंह की मां और बहन मौजूद थे, जिसके बाद अधिकारियों ने उनसे घर को खाली कराया, बाद में सामान जब्त कर लिया, जिसके बाद गैंगस्टर के आरोपी के घर के बाहर एक नोटिस लगाया गया है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।